हाय दोस्तों, तो आप सभी लोगों का फिर से टेक ट्यूब आरजे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोर्सेरा के एक नए कोर्स के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों जावा फॉर एंड्रॉइड फ्रेंड। ये बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है दोस्तों, इसको आपको कर लेना है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से कोर्सेरा के सर्च बॉक्स में जाना है, यहाँ से आपको सर्च करना है जावा फॉर एंड्रॉइड। सर्च करने के जस्ट बाद आपको नीचे यहाँ पे जावा फॉर एंड्रॉइड आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से सिंपली आपको कर लेना है क्लिक जावा फॉर एंड्रॉइड पे। यहाँ पे क्लिक करने के जस्ट बाद दोस्त आपको यहाँ पे आएगा इनरोल करने के लिए। तो मैंने अभी इनरोल कर लिया हुआ है, यहाँ पे आ रहा है गो टू कोर्स। तो दोस्तों यहाँ पे गो टू कोर्स पे मैं क्लिक कर ले रहा हूँ और यहाँ से सिंपली चला आ रहा हूँ वीक वन के क्विज के आंसर्स के साथ। तो दोस्तों इसमें 3 वीक के क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, तो मैं इसमें आपको तीनों वीक के फर्स्ट वीक के तीनों क्विज के आंसर्स आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ वीक वन के क्विज वन के क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट क्यूज वन पे क्लिक कर लेते हैं, देन आफ्टर यहाँ से हम क्यूज को कर लेंगे स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ से सिंपली स्टार्ट पे हम कर लिए क्लिक। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर की कंसेप्ट फाउंड इन ऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द लेसन इन दिस मॉड्यूल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का अब्स्ट्रैक्शन, एंड देन हम लोगों का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इनहेरिटेंस, एंड देन हम लोगों का थर्ड आंसर हो जाएगा इसमें तीन आंसर है दोस्तों पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ से आपको पॉलीमॉर्फिज्म पे क्लिक कर लेना। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सेकंड नंबर दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन फीचर सपोर्टेड बाय जावा अकॉर्डिंग टू द लेसन इन दिस मॉड्यूल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का, इसमें दो आंसर है इसके, इसके फर्स्ट आंसर हो जाएगा इंटरफेस, एंड देन सेकेंड आंसर हो जाएगा हम लोगों के क्लासेस। तो यहाँ पे क्लासेस एंड इंटरफेस को आपको क्लिक करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ, इसका आंसर हो जाएगा दोस्त पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप एडीटी अकॉर्डिंग टू द लेसन इन दिस मॉड्यूल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर, आपको दिख रहा होगा एन एडीटी डिफाइंस स्टेट ऑफ डेटा वैल्यूज एंड स्टेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दीज वैल्यूज। एंड हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड फोन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंसेज बिटवीन जावा क्लासेस एंड इंटरफेसेस अकॉर्डिंग टू द लेसन इन दिस मॉड्यूल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का, इसमें दो आंसर होंगे। फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए जावा इंटरफेसेस कैन नॉट सॉरी ए जावा इंटरफेसेस प्रोवाइड ए सबसेट ऑफ फीचर्स प्रोवाइडेड बाई ए जावा क्लास, एंड देन हम लोग का सेकेंड को आंसर हो जाएगा ए जावा इंटरफेसेस कैन नॉट बी इनिशिएटेड डायरेक्टली वेयर क्लास रन। तो दोस्तों हम लोग का ये दो आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फाइव नंबर, तो यहाँ पे फाइव नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपके पास जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा अकॉर्डिंग टू द लेसन इन मॉड्यूल। तो सॉरी फाइव नंबर क्वेश्चन था हम लोगों का, यहाँ पे फाइव नंबर क्वेश्चन देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट ऑफ जावा जेनेरिक अकॉर्डिंग टू द लेसन इन दिस मॉड्यूल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं, द हेल्प इन इलिमिनेट अननेसेसरी डिस्क्रिप्शन ऑफ कोड, एंड देन हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, दे इंश्योर कंपाइल टाइप सेफ्टी व्हेन ऑपरेटिंग डिफरेंट टाइप्स। एंड देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड सिक्स नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा अकॉर्डिंग टू द लेसन इन मॉड्यूल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, इट इनहेंसेज री यूज बाय अलाउंग क्लासेस टू री यूज कॉमन स्टेट एंड बिहेवियर फ्रॉम अदर क्लासेस। देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों सेवन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन डॉट इन जावा अकॉर्डिंग टू द लेसन इन दिस मॉड्यूल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि आप देख सकते हैं इट सेपरेट द कंट्रोल फ्लो पाथ्स ऑफ नॉर्मल एप्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम द जावा सॉरी फ्रॉम द कंट्रोल फ्लो पाथ ऑफ एनामोलियस एप एग्जीक्यूशन। देन हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, इट मेक्स जावा एप्स मोर रिव्यूस्ड एंड इजियर टू अंडरस्टैंड एंड वैल्यू। देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा अकॉर्डिंग टू द लेसन इन दिस मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर ए, इट इनेबल्स ट्रांसपेरेंट कस्टमाइजेशन ऑफ मेथड इन सब क्लास दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम ए सुपर क्लास। देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों नाइन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्शन ऑफ लर्नर्स हु टेक दिस मॉक अकॉर्डिंग टू द लेसन इन दिस मॉड्यूल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का
अब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट में हो जाएगा, यू आर एक्सपेक्टेड हैव बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी स्किल्स सच एज नोइंग हाउ टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। देन हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी इंटरेस्टेड इन बोथ कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग मोबाइल ऐप। देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्त, इस वीक का फर्स्ट वीक के फर्स्ट क्यूज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑल आर रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी फॉर लर्निंग द मटेरियल कवर्ड इन दिस मॉक अकॉर्डिंग टू द लेसन इन दिस मॉड्यूल। तो दोस्तों इसका सारे ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे करेक्ट, दोस्तों ये कंफ्यूजन वाला सवाल है, इसके सारे आंसर्स राइट है। तो दोस्तों यहाँ पे सारे पे आपको क्लिक करना है, देन आफ्टर आपको चेकआउट पे क्लिक करना है, देन आपको सबमिट करना है। दोस्तों यहाँ से जस्ट आपको सबमिट करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो ग्रेड आया दोस्तों यहाँ पे 100% ग्रेड मिल गया हुआ है। और देन अब हम बात करेंगे मॉड्यूल टू के बारे में, क्यूज आंसर्स के वीक वन के मॉड्यूल टू के क्यूज आंसर्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से हम सिंपली क्लिक करके मॉड्यूल टू के क्यूज को कर लेंगे स्टार्ट। तो फ्रेंड यहाँ से सिंपली क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आ जाएगा स्टार्ट का ऑप्शन, आपको कर लेना है स्टार्ट। क्यूज स्टार्ट करने के बाद आपको आज स्क्रीन पे दिखने लगेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्जन ऑफ द एंड्रॉइड एपीआई आर बी गोइंग टू यूज इन दिस क्लास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का एंड्रॉइड एपीआई वर्जन 22, यहाँ से एंड्रॉइड एपीआई वर्जन 22 को हम लोग को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हिच एंड्रॉइड स्टूडियो विजार्ड बटन विल यू टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। दोस्तों हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट ए न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट। एंड देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड नंबर, व्हिच एंड्रॉइड स्टूडियो विजार्ड बटन विल यू यूज टू इम्पोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इम्पोर्ट प्रोजेक्ट इडिप्स, यहाँ सॉरी इम्पोर्ट प्रोजेक्ट इक्लिप्स एडिटी ग्रेड कॉमा ETC। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग का इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फोर की तरफ, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, देयर इज ए फोल्डर इन एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट कॉल्ड रेस, व्हाट डज रेस मीन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फोर नंबर क्वेश्चन का हम लोग का रिसोर्सेस। एंड देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर क्वेश्चन देख लेते क्या है, बाय कन्वेंशन व्हिच ऑफ दीज नेम्स इन दिस प्रॉपर फॉर्मेटिंग फॉर ए जावा क्लास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का मैथ लाइब्रेरी, यहाँ पे मैथ लाइब्रेरी इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से सिंपली आपको मैथ लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिक्स नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दिस कोर्स व्हिच डिवाइस एंड एंड्रॉइड एपीआई लेवल आर बी गोइंग टू यूज फॉर टेस्टिंग एप्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिंटेक्स एंड लॉजिक, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा सिक्स नंबर क्वेश्चन का हम लोग का नेक्सस 5 एंड एंड्रॉइड एपीआई 22। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार और देख लेते हैं नेक्सस 5 एंड एंड्रॉइड एपीआई 22। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का सेवन नंबर, बॉक्स डिफेक्ट्स इन सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन ग्रुप्स, व्हिच ऑफ दीज मैच दोज कैटेगोरीज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सेवन नंबर क्वेश्चन का सिंटेक्स एंड लॉजिकल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर सिंटेक्स एंड लॉजिकल। देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों एट नंबर, और इस वीक का सेकेंड क्यूज के मॉडल के आंसर क्वेश्चन नंबर एट जो लास्ट है यहाँ पे, इन एंड्रॉइड स्टूडियो व्हाट डज ए वर्ड हैविंग ए रेड स्क्यूगली लाइन अंडर इट लाइकली मीन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं द वर्ड लाइकली हैज ए सिंटेक्स एरर, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको चेकआउट पर क्लिक करना है, देन आफ्टर आपको सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आपका ग्रेड यहाँ पे शो करने लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड इस क्यूज में हम लोगों का एक क्वेश्चन जो है गलत हो गया हुआ है, देख लेते हैं ये क्यों गलत हो गया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया है यहाँ से हम देख लेते हैं सिंपली। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है चारों एक ही टाइप का है, मैथ लाइब्रेरी मैथ लाइब्रेरी मैथ लाइब्रेरी मैथ लाइब्रेरी, जिसमें कंफ्यूजन आ रहा था इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन है या करेक्ट पता नहीं चल पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आप अपने अनुसार से चूज कर लीजिएगा, यही ऑप्शन इसमें करेक्ट आ गया, इस वजह से मेरा जो ग्रेड है वो 87.5 में ही रह गया। तो दोस्तों इसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा, और नेक्स्ट मॉड्यूल जो मॉड्यूल थर्ड है उसके आंसर्स की बात अब हम करते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं मॉड्यूल थर्ड के क्यूज और ये वीक वन के लास्ट क्यूज होगा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से सिंपली क्लिक करने के बाद, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद हम लोगों का क्वेश्चन हमारे सामने, फ्रेंड हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 54
मॉडुलो 10+6 × 3 मॉडुलो 4। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है 6 नंबर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, विच ऑपरेटर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। इसके बाद देन आफ्टर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड नंबर। यहाँ पे हम देख लेते थर्ड नंबर क्वेश्चन, ओवरलोडिंग इज ए फीचर दैट अलाउज द क्रिएशन ऑफ टू और मोर मेथड्स विद द सेम नेम एज लॉन्ग एज द पैरामीटर लिस्ट आर डिफरेंट। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यह ट्रू फॉल्स पे आधारित है, जिसका आंसर हो जाएगा सिंपली ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर हम लोगों का, यह भी ट्रू फॉल्स पे आधारित है। इसमें आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर का ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। एंड देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ट्रू फॉल्स पे आधारित है। देख लेते क्या है क्वेश्चन, द फ्लोइंग स्ट्रिंग इज ए लीगल जावा आइडेंटिफायर दैट कुड बी यूज्ड बाय एज ए वेरिएबल नेम और ए मेथड नेम एम आई ओके। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फाइव नंबर क्वेश्चन का ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का सिक्स नंबर क्वेश्चन होगा, द पैरामीटर द प्रोग्रामर कैन मैनुअली चेंज डेटा वैल्यूज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप बाई एन ऑपरेशन कॉल्ड टाइप। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी कास्ट। एंड देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेवन हो जाएगा, व्हाट इज द आउटपुट प्रोवाइडेड बाय द रनिंग प्रोग्राम बिलो, रीड द कोड केयरफुली बिफोर सिलेक्टिंग द करेक्ट आंसर। यहाँ से प्रोग्राम को रन करा करके आपका जो कोड आएगा उस कोड को आपको चूज करना है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सीधे सॉरी डी ऑप्शन में दिया गया है। फ्रेंड एक बार ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन नंबर पे ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान मतलब इसके आंसर पे ध्यान देना है कि कौन से इसके क्वेश्चन से आंसर्स होगा। तो यहाँ पे आपको देना है ध्यान इस पर 22, 99 एंड 23, एकदम ध्यान से आपको टिक करना है यहाँ पे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नंबर, गिवन वेरिएबल एक्स ऑफ टाइप डबल विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन ए डिफरेंट वैल्यूज बीइंग असाइंड टू एक्स। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, एक्स इज इक्वल टू डबल एंड 32/5। एंड देन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एट नंबर सॉरी 9 नंबर, इसका आंसर देख लेते क्या होता है, द फ्लोइंग कोड ऑलवेज प्रिंट द वैल्यूज 9 इंट एक्स इज इक्वल टू 8 एंड आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एल एन एक्स प्लस प्लस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ये जो पूरा ये जो सेंटेंस है ये वर्ड फॉल्स था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ दोस्तों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, व्हेन कॉलिंग ए मेथड द नेम ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट आर्गुमेंट एट द कॉल साइट विच मैच द नेम ऑफ द फॉर्मल पैरामीटर यूज्ड इन द मेथड्स पैरामीटर लिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों और ये क्वेश्चन जो है फॉल्स है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट रिजर्व्ड वर्ड इज यूज्ड इन इंडिकेट दैट ए मेथड डज नॉट रिटर्न वैल्यू। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वॉइड, यहाँ से वॉइड पे टिक आउट करना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, बिट कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज। तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो डी है 2 आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी स्पीक का हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ से टिकआउट करेंगे। उसके बाद यहाँ से करेंगे सिंपली सबमिट पे क्लिक। सबमिट पे क्लिक करने के जस्ट बाद यहाँ से आप दोस्त देख सकते हैं आपका जो ग्रेड है वो 100% आया। तो फ्रेंड आपने इस लेक्चर में इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपने देखा कि वीक वन के एंड्रॉयड जावा फॉर एंड्रॉयड के वीक वन के सारे क्यूजेज मॉडल क्यूजेज को मैंने इसको मैं करवा दिया हुआ है, और सेकेंड ट्यूटोरियल में आपको वीक टू के जितने भी मॉडल क्यूज होंगे उसको मैं आंसर लेकर के आऊंगा फिलहाल। तो दोस्तों चलिए तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।